सुपर कार रेस्टोरेशन। कानपुर नाम के शहर में मोहनलाल नाम के एक आदमी का ट्रेवल एजेंसी रहता है। उसके पास बहुत सारी कार्स होती है जो वो लोगों को रेंट पर देता था। उसी के साथ मोहनलाल के पास अजय नाम का एक मैकेनिक भी रहता था जो गैराज में मोहनलाल के खराब कार्स की मरम्मत करता है। मोहनलाल अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी से बहुत सारे पैसे कमाता है। एक बार अजय मोहनलाल के पास जाकर कहता है, सेठ जी अब मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, आपका बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है, महंगाई भी बढ़ गई है। हाँ हाँ ठीक है तू जा और अपना काम कर पहले। मोहनलाल हमेशा ही अजय की बात को इस तरह टाल दिया करता, लेकिन कभी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा था। तभी एक दिन अल्बर्ट नाम का एक टूरिस्ट जो कि एक स्क्रैप कंपनी का मालिक होता है, वो मोहनलाल के ट्रैवल एजेंसी में आता है और कहता है, मुझे शहर घूमने के लिए एक कार और ड्राइवर चाहिए। जी हाँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है अजय, वो आपको शहर घुमाएगा। अजय अल्बर्ट को पूरा शहर घुमाता है और कभी अगर कार खराब हो जाती थी तो अजय ही उसे झट से ठीक कर देता था। वो अल्बर्ट से बहुत अच्छे से भी बात करता है, जिस वजह से अल्बर्ट को अजय का काम और स्वभाव बहुत पसंद आता है। वो अजय से कहता है, अरे सुनो अजय, तुम मेरे पास काम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें बहुत अच्छी पगार दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं मोहनलाल जी के पास बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, मैं उनकी नौकरी ऐसे नहीं छोड़ सकता। अजय की बात सुन अल्बर्ट भी चुप हो जाता है। दिन भर घूमने के बाद अल्बर्ट फिर अपने होटल में वापस चला जाता है। अजय फिर से मोहनलाल के पास अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करने जाता है। तब मोहनलाल कहता है, अरे अजय ये क्या लगा रखा है, हर दो दिन के बाद तीन तीन बार आते हो, तनख्वाह बढ़ाओ। अरे तुम्हें ढेर सारे काम है, वो काम करो, जाओ यहाँ से। अरे सेठ जी, मेरी वजह से आपका धंधा बड़ा ही अच्छे से चल रहा है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं उसी मेहनत का तो फल मांग रहा हूँ ना। अबे जा बे जा, बड़ा आया मुझे बताने वाला, तेरी वजह से नहीं मेरी वजह से धंधा चल रहा है, निकल यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मोहनलाल अजय को नौकरी से निकाल देता है और उसकी पगार भी नहीं देता। अजय सोचता है, चलो ठीक है, लग नहीं रहा था कि मोहनलाल मेरी तनख्वाह बढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि एकदम से उसे अल्बर्ट की याद आती है और वो उसके होटल में जाकर उससे मिलता है। अल्बर्ट सर, मुझे आपकी कंपनी से कुछ स्क्रैप चाहिए, उससे मैं खुद की कार बनाऊंगा। अरे लेकिन तुम्हें कार बनाने की जरूरत क्या है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम नई कार खरीद लो। नहीं नहीं सर, मुझे खुद अपनी कार बनानी है, मैं ऐसी सुपर कार बनाऊंगा और उस मोहनलाल के सामने चलाऊंगा कि उसकी ट्रैवल एजेंसी का व्यापार ठप्प हो जाए। अल्बर्ट ये सुनकर अजय को बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल देता है, जिससे अजय कुछ ही दिनों में रिस्टोरेशन करके बेहद ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कार बनाता है और शहर में अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू करता है। लोगों को भी अजय की स्पोर्ट्स कारें धीरे धीरे पसंद आने लगती है और लोग मोहनलाल के यहाँ से कार्स लेने की बजाय अजय की कार्स लेने लगते हैं। इस तरह मोहनलाल का बिजनेस कम हो जाता है। एक दिन मोहनलाल सोचता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, आज मेरी ही वजह से मेरा एक प्रतिस्पर्धी खड़ा हो गया है। तभी एक दिन एक बाहर देश से आदमी आता है और उसे रिझाने के लिए मोहनलाल अपनी कार के बारे में उसे बताते रहता है। ये सब करते हुए अजय दूर से देख लेता है और जल्दी से एक स्पोर्ट्स कार लेकर मोहनलाल के सामने से चलाते हुए जाता है। वो आदमी अजय की कार की तरफ देखते ही रहता है और उसे रोककर उसके कार के किराए के बारे में पूछता है और अजय उसे वो कार दे देता है। मोहनलाल कहता है, वाह अजय तुम जीत गए, मुझे माफ कर दे यार, मेरी ही गलती की वजह से मैं सजा भुगत रहा हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो होना ही था, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और, इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए। ऐसा कहकर अजय वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में मोहनलाल की एजेंसी पूरी तरह बंद हो जाती है। अंडरग्राउंड कार गैराज। गोरखपुर गांव में मानिकलाल और जानकी नाम के दंपत्ति रहते थे। उनके तीन पुत्र थे, राम, रॉबर्ट और रहीम। इनमें राम मानिकलाल और जानकी का बेटा था। रॉबर्ट और रहीम को बचपन से अपने पास रखकर वो देखभाल किया करते थे। मानिकलाल का एक मैकेनिक शॉप था, वो आस पड़ोस में बहुत ही फेमस था। एक दिन एक बिजनेसमैन अपने कार में कुछ प्रॉब्लम है कहकर लेकर आता है। मानिकलाल कहता है, नमस्ते सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कार में इंजन गर्म हो रहा है,
अरे रॉबर्ट, इंजन गर्म हो रहा है, जरा चेक करो तो। ठीक है पिताजी। दोनों मिलकर कार चेक करते हैं। रॉबर्ट रहीम की मदद करता है। रॉबर्ट कहता है, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, अभी ठीक कर दिया। अरे मानिकलाल, तुम्हारे पास बहुत अच्छे वर्कर्स हैं यार। यहाँ आस पड़ोस कहीं भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। ये वर्कर्स नहीं, मेरे बेटे हैं साहब। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं साहब। बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। मानिकलाल अपने बेटे से कहता है, तुम दोनों अपना काम खत्म करके घर चले जाना। माँ से कहकर तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनवाता हूँ मैं आज। ठीक है पिताजी। मानिकलाल के चले जाने के बाद रहीम कहता है, अरे यार अभी तुम पुरानी कार लेकर आओ, इसके पार्ट चेंज करके देता हूँ, गांव में ले जाकर बेच देना। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। अरे कहानियां मत सुनाओ, कार लेकर जल्दी अंडरग्राउंड गैरेज में आ जाओ। इस तरह रहीम अपने शेड में आए नए कार को अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। रॉबर्ट कहता है, यार रहीम तुम बहुत गलत कर रहे हो, मानिकलाल हमें अपने बच्चे की तरह चाहता है, उनके पीछे अंडरग्राउंड में चोरी से व्यापार करना बहुत गलत है। अच्छा तो तुम्हें सब ये गलत लग रहा है, आज तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ मैं। ऐसा कहकर प्रतिदिन से एक घंटे पहले ही वो घर पहुँचते हैं। उनके पहुँचने तक राम कॉलेज से घर वापस आता है। मानिकलाल राम से कहता है, कॉलेज कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है पिताजी, हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं भी इतना बड़ा कॉलेज नहीं है। पिताजी भाइयों को भी कॉलेज में पढ़ाते तो अच्छा होता। उनसे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई, फिर भी वो अपने शेड को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। मैं कॉलेज के बाद आकर भाइयों की मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, यही तुम्हारे भाइयों की इच्छा है, तभी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा, अगर भाई हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। ऐसा कहकर राम चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है, देखा तुमने, हमको अपना समझ रहे हैं ये। अच्छा चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। चुपके से दोनों किचन के पास जाते हैं। वहाँ जानकी मानिकलाल को खाना परोसती रहती है। जानकी कहती है, कहीं आप दोनों अनाथ को अपने जायदाद में हिस्सा देने का तो नहीं सोच रहे ना? अरे पगली, ये अनाथ चिंदी चोरों को बचपन से अपने पास रखकर उन्हें काम सिखाकर और हर महीने तनख्वाह पर लगा दिया। तुम चिंता ना करो, जायदाद में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मानिकलाल की ये बातें सुनकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है। रहीम उसे कहता है, अब समझ में आया मानिकलाल की दुर्बुद्धि के बारे में? समझ गया यार। अब बताओ क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, चलो पुराने कार के पार्ट्स बदलकर नए पार्ट्स डालकर कार को बेच देते हैं। इस तरह रहीम दूसरे गांव जाकर बेकार पड़े हुए पुराने कार को चुरा कर लेकर आता है और रॉबर्ट उन कारों को शेड में आए नए कार के पार्ट्स निकालकर उन पुराने कार को लगाकर एक नई कार की कंपनी खोलने के लिए अंडरग्राउंड में रीमॉडलिंग किए हुए कई कार को रखता है। रॉबर्ट कहता है, रहीम आज तक हमने 25 कार रीमॉडलिंग किया है, चलो अब एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। अभी नहीं, जल्दबाजी मत करो, थोड़े समय के बाद करेंगे। इस तरह रॉबर्ट के पार्ट्स बदलने के कारण एक व्यापारी अपने कार को लेकर आकर कहता है, अरे मानिकलाल, मेरे कार के सारे पार्ट्स बेकार पुराने पार्ट्स से बदल दिए तुमने, क्या इसीलिए तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम पूरा करके ज्यादा पैसे कमा रहे हो? नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? एक हफ्ते के अंदर मेरे कार के सारे नए पार्ट नहीं लगाया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। मानिकलाल रॉबर्ट को बुला के पूछता है, अरे रॉबर्ट ये सब कैसे हुआ? हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। घर जाकर मानिकलाल अपनी पत्नी से सारा विषय बताता है। जानकी कहती है, मुझे तो उन दोनों बेवकूफों पर ही शक है, आप उन पर नजर रखना। हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मुझसे छुपाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उस दिन से मानिकलाल उन दोनों पर नजर रखते हुए उनके पीछे जाता है। रहीम उस व्यापारी के कार के पार्ट्स चेंज करके ऊपर लेकर आता है। रॉबर्ट कहता है, अच्छा हुआ बुरा, मानिकलाल ने बचपन से हमारी देखभाल की है, हमें काम सिखाकर इतना बड़ा किया है, इसलिए हम लोग उनका नाम खराब करने वाले बुरे काम कभी नहीं करेंगे।
यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना खुद का व्यापार करके जीवन बिताएंगे। ठीक है, लेकिन केवल हमने जो कार रीमॉडलिंग की है वही लेकर जाएंगे, आगे से कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है, मानिकलाल से आखिरी बार मुलाकात करके चले जाएंगे। यह सोचकर घर पहुंचते हैं, वहां जाकर देखा तो मानिकलाल लेटे हुए रहता है और जानकी और राम देखते रहते हैं। डॉक्टर मानिकलाल को पट्टी करके कहते हैं, थोड़े दिन तक इन्हें बेड पर रेस्ट की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 30 लाख तक का खर्चा होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी जानकी कहती है, अभी के अभी 30 लाख कहाँ से लेकर आऊं? तुम चिंता ना करो माँ, हम लेकर आते हैं पैसे। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम माँ के पास रहकर उनका धैर्य बढ़ाओ। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, बेटा रॉबर्ट, रहीम, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ, ये रहे 30 लाख रुपए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। और 20 लाख रुपए ये है, संभाल कर रखना। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, मेरे तीनों बेटे कॉलेज जाएंगे, आप शेड संभालिए। ऐसी बात मत करो माँ, हम तेरे बेटे हैं, हम पर तेरा पूरा अधिकार है। जानकी रॉबर्ट और रहीम को अपने गले से लगाती है और मानिकलाल से कहती है, हाँ, आगे से सारे काम तीनों मिलजुल कर ही करना। ठीक है जानकी। पिताजी, हम तीनों कॉलेज के बाद आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माँ। उस दिन से राम, रॉबर्ट, रहीम को मानिकलाल एक समान देखता है। राम, रॉबर्ट, रहीम तीनों एक साथ कॉलेज जाकर कॉलेज के बाद शेड जाकर मानिकलाल की सहायता करते हैं।